flies behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call. Hi guys, good morning. So अभी हम जा रहे हैं तुर्तुक. So मैं आपको दिखाती हूँ कि तुर्तुक कैसा है. And I'm pretty shy क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हंस रही हैं. So our journey has started and I was very excited to see Turtuk because this is my first time that I was seeing that place. What intrigued me most was that the road was very smooth and broad, and also the view on the way was most amazing. If I brief you guys about Turtuk, that Turtuk is the last village of India. It was under the Pakistani control until the war of 1971. One can also get a glimpse of the bunkers of Pakistan's army and line of control of India and Pakistan from Turtuk, as it is the last major village where the tourists are allowed. Finally we reached Turtuk, but before we go and see the last village, we plan to make Maggie as everyone was super hungry. So we started making it and it got ready in 12 minutes. Literally, it is true that पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है. अगर आप लोगों ने भी somewhere in between कहीं बैठ के मैगी बनाई है तो write down on comment section. Finally, the Maggie is ready. Let's go there and eat it now. Finally, we reached Thung Valley. After reaching there, first thing first, what we did, hum gaye Gubali ke ghar dekhne. It was kind of a museum. There was also a small fountain. I was very fascinated uske ghar ko dekhke. He has also planted lots of beautiful flowers. So if you guys know about him, then please write down on comment section. If you don't, anyway, I'll write down on description box. So guys, Gubali has his own story and I was moved to tears after hearing his story. आम आदमी तो नहीं बना सकते है ना सर. मैंने 0.2 ओरिजिनल 5 स्टार बना रखा है. दुआ जी कस दुदु इसका अंदर आप जाकर देखिए सर. यहाँ पानी के सिस्टम आई है सर. एक मिनट. हाँ मैं पहले रिमोट कंट्रोल गेट दिखाते हैं तो शायद वो दिखा लो सर आपको. या ये नहीं रिमोट कंट्रोल गेट दिखा दो आप पहले. चलो सर देखो सर इधर एक कहावत है. जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आया था तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को एक कहानी बयान किया था. सर देखो आप बड़े लोग हर वक्त कुर्सी पे रहते हैं, हर वक्त मंच पे आते हैं, हम जैसा गरीब हर वक्त जमीन पे होता है. आज सर मैं इधर होगा आप नीचे होगा तो हंसने लगा. सब ने हंसा, सब ताली बजाया क्योंकि मैं ये बताते वक्त मैं ऊपर बैठता हूँ. तो सर ये है रिमोट कंट्रोल गेट. आप सोचता होगा क्या इसमें यार क्या होगा. ये सोचते है ना सर. कितना आसान
और कितना सस्ता आप बताओ सर, ये 800-900 में बाजार में मिलता है आपको, हमारे ले में मिलता है, मेरे ले से खरीदा था, आता है ना। ये क्या है सर, गाड़ी का सेंटर लॉक जो आपको रिमोट वाले का मशीन, ये मैंने 4 खरीदा था, हमें 1 खरीदने से काफ़ी था, 4 मैंने गलत खरीदा है, तो 1 खरीदा तो इसी भी साल सस्ता हो सकता है। ये मैंने खरीदा, खरीदने के बाद देखो सर अपना हाथ से बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया, ये जब आपको आपका रिमोट इस मशीन के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं, बैटरी के साथ हो जाते हैं, तो आप रिमोट को यूं दबाने के बाद आपको ऊपर आता है ना, आता है नहीं आता है? हाँ हाँ। देखो आ गया ऊपर, ऊपर आने के बाद क्या हुआ, ये टच हो गया, तार दोनों को कनेक्ट आ गया ना, कनेक्ट हो गया, ये तार टच हो गया, उसके बाद आप गाड़ी में बैठे बैठे रिमोट को और दबाते हैं तो ये नीचे चला गया, यहाँ टच हो गया, ये कनेक्शन आउट हो गया, अब ये क्या काम करते हैं, ये है सिर्फ आपका वेपर मशीन, ये आपको 20-30-50 रुपए में कबाड़ियों में, गाड़ी खराब हो जाते हैं, वेपर मशीन कभी खराब नहीं होता है, ये जिंदा रहता है। इस वेपर मशीन को सर इसका अंदर डाल दिया, समझ, इसका अंदर डाल दिया, डालने के बाद क्या होगा, जब इसको करंट मिलने के बाद ये तो दरवाजे को बाहर लाएगा ना, लाएगा नहीं लाएगा, जब ये करंट मिला तो ये इधर से घुमाएंगे तो ये दरवाजे को लेकर दरवाजा आपका खोलेगा, खोलने के बाद सर ये मशीन है ये चलते रहेंगे, जब तक इसको कनेक्ट आउट कनेक्शन आउट नहीं करेगा तब तक ये चलते रहेंगे, है ना, मशीन है तो ये यहाँ दरवाजा पहुँचेगा, वो दरवाजा आके यहाँ पहुँचेगा तो इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो ये क्या हो गया सर, ब्रेक हो जाएंगे, ये हो गया कनेक्ट नहीं था, ख़त्म हुआ तो ब्रेक हो जाएंगे, होने के बाद सर आपका गाड़ी बाहर अंदर आ गया, आने के बाद फिर आपको आपका दरवाज़ा बंद करना है तो इसको ऐसे दबा दिया तो फिर ये वापस अपने जगह में चला जाएंगे। तो सर इसमें खर्चा आप बोलो कितना है, 800-900 वो 50-20 कभी तो फ्री में भी मिल सकते हैं, 1000 लगा लो, 1000 में आपका रिमोट कंट्रोल गेट हर कोई बना सकता है, ये नहीं कि गोवाली ने बनाया मैं नहीं बना सकता, क्या आप नहीं बना सकते सर, बना सकते हैं ना सर। तो बाकी जो रिमोट कंट्रोल गेट दुनिया में है लेकिन वो लाखों में है जी, उनको पावर चाहिए, इसको आप खाली से एक बैटरी रखो बस, आपका रिमोट कंट्रोल गेट घर में आराम से चलेंगे। दूसरा ऑप्शन हम आपको ये बता देते हैं, अगर आप लोगों को बनाने की इच्छा हो तो और एक प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि एक रिमोट 2 होता है, 3, एक बेटा के पास है एक बेटी के पास है, घर का सामने मेहमान आया, सीसी कैमरा ने बता दिया वहाँ मेहमान पहुँच गया, दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, और एक ऑप्शन है सर ये तार आपको घर तक ले जाओ, वहाँ एक ऑन ऑफ होता है घर का अंदर, है ना सर, एक ऑन ऑफ रखो, सीसी कैमरे ने बता दिया घर में मेहमान आया, तो वहाँ से आप यूं ऑन ऑफ को दबा दो, दरवाज़ा आपको खुल जाएगा, तो बोलेगा यार इनका दरवाज़ा भी हमारा स्वागत करते हैं। तो ये है सर, ये मैंने जो इस तरीके से बनाते रहते हैं सर, रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे पहले मैं और एक आप सबको नसीहत के लिए और एक कविता सुनाते हैं, उस कविता का मतलब है, हम अपना आपको अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सींचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं, हर कोई गम ज़्यादा है तो फिर गमखोर कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में है, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। वाह वाह, ये है आप सब के लिए, हम सबका नसीहत के लिए। अब इस इलाके में आज सर ने बोला आपको ये सारे ज्ञान कहाँ से आया, तो मुझे एक कविता याद आते हैं, मेरा मम्मी पापा सब कुछ इंडियन आर्मी बिलखसूस लगा हैं, तो इनका बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ, नहीं तो हर कोई कहेंगे कोई आईएएस बनने के बाद बड़ा अफसर बनने के बाद मेरे पापा ने ये मुझे मदद किया, मेरे मम्मी ने ये किया, मेरे फलान ने ये किया, इनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यही कहेंगे ना, मेरे लिए ना मम्मी ना पापा ना दादा चाचा मामू कोई नहीं, तो सिर्फ इंडियन आर्मी ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये कहानी सर मुझे यहाँ तो जो पाकिस्तान में सर ये तो आप गोवा रिसर्च करेंगे तो वहाँ पता चलेगा, पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को फलूट मारते हैं कहा है, क्यों कहा है कि हिंदुस्तान के हिंदू ने हिंदुस्तान ने ऐसा एक अजीब सा आदमी बना कर दे दिया है, उन्होंने कहा कि क्या सोच रखते हैं हिंदुस्तान के हिंदू, नहीं क्या सोच रखते हैं लद्दाख के बुद्ध, ऐसे आदमी बना के दिया सर, उसका मेरा वीडियो है सर यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो मैं ये सलूट मारने के बाद कहते हैं, सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगिन की बोझ को, जैसे मेरे उठाया, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को,
सीओ दरगढ़ आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका कर रखिए खेलते हुए रोज को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो ये है सारे इस इलाके में किसने क्या किया है सर। तो उसके बाद सर मैं आप मेरे बेटी ने एक वो रखा है अभी भी मोबाइल को रखा है, मैं और एक पैगाम देते हैं, हम कहते हैं तो आप लोगों को नसीहत करते हैं, तो बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता। तो आखिर में हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए एक नई कविता बताता हूँ, हम ये कहते हैं कि उस कविता में ये कहते हैं कि क्या कहते हैं अब हो मुझे वो कविता अभी मुझे भूल गया सर। अच्छा। तो उसमें ये कहते हैं हाँ, खुदाए बढ़कर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग की, खुदाए बढ़कर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग की, हर एक हार और जीत के नाम पर खून इंसान का रंग क्यों, हम भी तेरा ये ज़मीन भी तेरा ये मलकियत का जंग क्यों, जश्न वफा के बदले जश्न पीर कफन क्यों, खुदाए बढ़कर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों। माशाल्लाह, ये सर ये है क्योंकि हम और आप हम सब खुदा को हम कहते हैं अब मेरा है तेरा है सब छोड़कर यहीं पे जाना, बस यहीं पे ये जिस्म भी छोड़ के जाना, जब छोड़ी वही मैं कहता हूँ सर, मैं जो बनाते हैं सर, मैं जहाँ जो भी बनाते हैं तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से टेम्परेरी बनाते हैं, तो इस इलाके में मेरा नाम है टेम्परेरी, मेरे बच्चों ने किसी ज़माने में मेरा नाम रखा था जड़, यानी पड़क पड़क जड़ को बोलते हैं ना, क्योंकि मैं दिल्ली जाओ कहीं भी जाके मैं जड़ ही लेके आते थे, इसलिए लोग बैग में क्या लेके आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, अजीब अजीब का सामान लेके आते हैं, लेकिन मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं लेके आता, मैं सिर्फ जड़ लेके आता था, फूल लेके आता था, फूल को जड़ लेके आता था, तो मेरे नाम घर वालों ने रखा था जड़। तो मैं कहते हैं चलो आज उस जड़ में रंग ला रहे हैं, शुक्र है लगा ये साया आ रहा है। तो उसके बाद सर मुझे मेरे काम पे आज मेरे माशरे वाले क्या कहते हैं, ये आदमी टेम्परेरी है इसका सारे काम, मैं कहता हूँ चलो मैं टेम्परेरी हूँ, मेरा काम टेम्परेरी है, तुम में कितना गारंटी है, मेरे काम में दो दिन का तो गारंटी मिलेगा, लेकिन तुम अपना आप में दो घंटे का गारंटी है क्या तुम्हारे पास, नहीं है ना सर, नेकी करो दरिया में, ये मेरा मानना है। दूसरा लोग कहते हैं ना सर हाँ हम तो सोशल वर्कर हूँ, हम तो दीन का करते हैं, हम का ये करते हैं, मजहब कहता हूँ मैं, अगर मजहब की बात करें मैं सबसे बढ़िया मैं सिख धर्म को मैं गुरु मानता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि सिख धर्म में आप जाके देखो किसी गुरुद्वारे में जाके देखो कभी नहीं पूछेंगे तुम हिंदू है तुम मुस्लिम है तुम सिख है। तो पाकिस्तान में सर मैं वहाँ लाहौर में गया था, वहाँ जाने के बाद सर हज़ारों खाने वाला मुसलमान खिलाने वाला सिख। तो अब ये भी एक मिसाल है सर, मैं आपको बता दूँ दुनिया के लिए सिख 2 करोड़ 20 लाख है दुनिया में है, आप सब जानते हैं, सिख कभी नहीं कहते हैं कि ये मुसलमान है ये हिंदू है ये सिख है, लंगर चलाते हैं अपना जो आने वाला तनखे में से, चाहे गरीब को आ जाओ चाहे अमीर को आ जाओ वो टैक्स दे ही देते हैं। आज सिख का भिखारी कभी नहीं देखने को मिलेगा, सिख का जलील आदमी कभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सिख का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने देखा होगा, सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह आपने सुना होगा, सिख का मनमोहन सिंह 10 साल हुकूमत किया है हिंदुस्तान में आपने सुना होगा, जब अल्लाह देता है तो छप्पल फाड़ के देता है, अल्लाह मारता है तो फिर थप्पड़ चलो क्या था चप्पल मार तो हम कहते हैं हम हर वक्त ये सोचते हैं जी लोग कहते हैं खुदा पर भरोसा करता है, मैं कहता हूँ कोई नहीं करता, खुदा पर भरोसा करता है तो जैसे अभी सर मैंने आपको कहा मेरे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुआ, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया ना 2%, तो मैं चुप बैठा हूँ इस तरीके से भरोसा रखूँ, लेकिन मारने के लिए खुद जाता है झगड़ा खुद करता है बोलते फिर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं कुछ नहीं रखते यही
सो उसके बाद हम गए पाकिस्तान देखने. ट्रस्ट मी गाइस, आई हैड गूज़बम्प्स व्हाइल थिंकिंग दैट हम पाकिस्तान के कितने करीब थे. सो हमने देखा पाकिस्तान एंड आई वाज फीलिंग सो एस्टोनिश्ड दैट वी वर सो क्लोज बाय पाकिस्तान. इट वाज क्वाइट रिलैक्सिंग देयर, सो वी स्पेंट अ कपल ऑफ आवर्स देयर. एंड ऑल्सो हमने वहाँ पे सैरी ट्राई किया. सैरी इज मेड अप ऑफ बग विद फ्लावर. इट वाज सो यमी.